हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है उसको कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम लोगों ने हमारी इस वीडियो फर्स्ट चैप्टर, इसके टू पार्ट्स हमारे कवर हो चुके हैं। थर्ड पार्ट रहेगा, मतलब थर्ड वीडियो रहेगा इस फर्स्ट चैप्टर का ये। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर से। इससे पहले के जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए हैं, ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं, उनके वीडियो भी अभी तक हमारा अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। एक ना आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इधर मेरी इमेज चल रही है इस साइड कोने में, मेरी जो वीडियो चल रही है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है कभी कभार। इस पर आप फोकस मत करना, अगर कभी आपको लग रहा होगी वीडियो आगे पीछे चल रहा है तो इस पर फोकस मत करना, थोड़ा सा इशू है कुछ टाइम के लिए, अभी कुछ टाइम में रिजोल्व हो जाएगा। एक दूसरा लाइट का भी इशू है मेरे पास, तो इमेज क्लियर भी नहीं आती है। ओके, और जो लैपटॉप का कैमरा है वो वैसे उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है, आपको पता है कि वैसे ही अच्छी नहीं आती उससे इमेज। एक्सटर्नल कैमरा यूज़ करता हूँ तो वाईफाई से, तो उसमें फिर फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो आगे पीछे चलती है, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए इशू रहेगा, बाद में इसको रिजोल्व करा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। तो लैंड डिग्रेडेशन से क्या मतलब होता है? लैंड डिग्रेडेशन, देखो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो हमारी लैंड है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, मतलब डिग्रेड हो रही है। और किस प्रकार से डिग्रेड होती है वो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमें कवर करना है, उसी को पढ़ना है। और सेकंड इसमें फिर क्या पढ़ना है कि कंजर्वेशन मेजर, मतलब उसको हम डिग्रेड होने से किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर अगर कोई लैंड ऐसी है जो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है उसको हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वही इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड आवर पास्ट जनरेशन, जो हमारी लैंड है वो हमारी पास्ट जनरेशन, जो हमारी पास्ट जनरेशन है उसने भी इसका इस्तेमाल किया, इसका यूज किया है, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन रहेगी वो भी क्या करेगी, इसका इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको डिग्रेड होने से बचाना है। किस लिए? जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो इसको अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, उनके लिए भी मतलब जो लैंड है वो एक बेटर कंडीशन में बची रहे उनके लिए। ऐसा ना हो कि हम लोग इसको इतनी इस कंडीशन में इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दें कि वो लोग इसको यूटिलाइज ना कर सके। क्यों ज़रूरत है इस लैंड की हमारे लिए? देखो, ये लैंड क्या करती है हमारे लिए, जो हमारी बेसिक्स ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान की हो गई, उसका जो 95% भाग है, उसका 95% हमें इस लैंड से प्राप्त होता है। जो मतलब है कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है डेली बेसिक्स पे, चाहे वो आपका फूड हो, आपका शेल्टर हो, आपके क्लोथिंग्स हो, इन सब का जो 95% है वो हमें इस लैंड से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए इस लैंड को डिग्रेड होने से बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स क्या क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है, लैंड से प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि इस लैंड का हम डिग्रेडेशन किस किस प्रकार से करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, या फिर उसके अलावा माइनिंग हो गई। तो इस प्रकार से जो इंसान होते हैं, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, वो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब जो अभी मैंने बताया वो सब किसके अंदर आती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। तो जो हम इंसान से, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है, वो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, हम लैंड को डिग्रेड करते हैं। ओके, अब हम तो डिग्रेड करते ही हैं, साथ में जो उसके साथ क्या होता है, कुछ नेचुरल जो फोर्सेज होती हैं, जैसे हमने उसको डिग्रेड किया लैंड को, तो साथ में कुछ जो नेचुरल फोर्सेज होती हैं उनको भी क्या मिलता है, ताकत मिलती है, मतलब उनको जो बल मिलता है, किस लिए, लैंड को डिग्रेड करने में। मतलब हम तो डिग्रेड करते ही हैं, साथ में जो नेचुरल फोर्सेज हैं अब उनको भी बल मिल जाता है, ताकत मिलती है, तो हमारे साथ वो भी लैंड को डैमेज करते हैं। ओके, डैमेज टू लैंड। अब नेचुरल फोर्सेज के अंदर आप मान लो, जैसे हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब वहाँ से जंगल को साफ कर दिया, काट दिया, तो जैसे वहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है तो वो मिट्टी को क्या करती है, ऊपर जो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, उसको साथ भाग कर ले जाती है, और इस प्रकार से उस मिट्टी का क्या कर देती है, डिग्रेडेशन कर देती है, मतलब वो मिट्टी ख़राब हो जाती है हमारे बेटर यूज़ के लिए, मतलब उसको हम बेटर तरीके से इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। क्यों? हमारे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तो काम ही नहीं आ सकती, जो उसकी टॉप लेयर थी, जो उसकी फर्टाइल लेयर थी, वो तो वाटर के साथ बह के जा चुकी है। तो इस प्रकार से कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, या फिर जो ह्यूमन बींग्स है, वो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या करते हैं, लैंड का डिग्रेडेशन करते हैं। और कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, डिफॉरेस्टेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब चीज़ें, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग वगैरह हो गया, मतलब ये एक अहम या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसमें, लैंड डिग्रेडेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसा एरिया
मतलब इंडिया के कौन कौन से पार्ट के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसके पीछे क्या क्या रीजन्स हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है काफ़ी बड़ा है, इस इतने बड़े कंट्री के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका हर जगह एक रीजन नहीं है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो सभी रीजन्स के अंदर क्या है, उस लैंड डिग्रेडेशन के पीछे अलग अलग रीजन्स है, तो उनको कवर करते हैं। अगर बात करें झारखंड की, छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है, ये तीन रीजन्स हैं, मतलब मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक का एरिया आप इसमें कवर कर सकते हो। तो इसके अंदर जो डिफॉरेस्टेशन है, क्या है डिफॉरेस्टेशन, ये किसका क्या है मेन कॉज है इसके, मतलब ये लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण है कौन, डिफॉरेस्टेशन। कहाँ पर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का जो ये रीजन है इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन रीजन है, मेन कारण है किसका, लैंड डिग्रेडेशन का। क्यों, क्योंकि इस इलाकों के अंदर, इन स्टेट्स के अंदर आपको पता है माइनिंग की जाती है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, यहाँ वेस्ट बंगाल में यहाँ कोयला पाया जाता है काफ़ी अमाउंट में। तो जब कोयला वगैरह को हमें कोयला मिलता है और उसके अलावा काफ़ी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर, तो जब हमें इन मिनरल्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना होता है या फिर इस कोल को एक्सट्रैक्ट करना होता है लैंड से, तो हम क्या करते हैं उस भूमि में, वहाँ पर उस अर्थ के अंदर माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग करते हैं तो उसके पहले में क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो वहाँ पे फॉरेस्ट है उनको सफाया करना पड़ता है, मतलब फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो आई थिंक समझ गए ना, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है इन स्टेट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं और उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उस फॉरेस्ट का क्या करते हैं, सफाया करते हैं, उन फॉरेस्ट को काट देते हैं वहाँ से। और फिर वहाँ पे जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उस डिफॉरेस्टेशन के बाद में, अभी आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन होने के बाद वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन, जो वहाँ की लैंड है वो डिग्रेड होना स्टार्ट कर देती है। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं स्टेट के बारे में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये कुछ जो स्टेट है इधर के, इनके अंदर जो ओवरग्रेजिंग, कौन सा है ओवरग्रेजिंग का मतलब, अति पशुचालन, मतलब जैसे पशुओं को लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर चराया जाता है। जो लैंड हम लोगों ने क्या की थी, पशुओं के लिए रिजर्व की थी कि ये लैंड पशुओं के लिए रहेगी, यहाँ पर सिर्फ पशु ही चारा चरेंगे, तो उस लैंड के ऊपर पशुओं को लिमिट से ज़्यादा मतलब वहाँ पर चरने के लिए छोड़ा जाता है। तो उसकी वजह से जब वो ओवरग्रेजिंग की सिचुएशन आती है वहाँ पर, मतलब अति पशुचारण होता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से उस लैंड का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा, अगर मान लो एमसीक्यू की मैं बात करूँ, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम में इस बार, तो उसके अंदर पूछ लिया जाएगा कि ओवरग्रेजिंग की समस्या की वजह से लैंड डिग्रेडेशन किन किन स्टेट्स के अंदर होता है। तो कोई भी एक स्टेट का ऑप्शन ये डाल देंगे, तीन स्टेट के ऑप्शन कोई अदर डाल दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे। तो आपको बस ये याद रखना है कि ओवरग्रेजिंग की समस्या कहाँ पर होती है, जो ओवरग्रेजिंग है उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन किन किन स्टेट्स के अंदर होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट है इनके अंदर जो ओवरग्रेजिंग है वो लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण है। अब हम बात करते हैं हरियाणा, पंजाब वगैरह के बारे में। देखो जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, इस इलाके के अंदर आपको पता है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है वो बिलोंग करता है पंजाब से, हरियाणा से या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ रीजन्स भी मान लो आप इसके अंदर, कि इस रीजन्स के अंदर जो इरिगेशन है, मतलब खेतों के अंदर जो हमारे फार्म होते हैं ना, खेत होते हैं जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके लिए एग्रीकल्चर में हमें क्या करना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है उसके अंदर, मतलब सिंचाई की जाती है, किससे, ट्यूबवेल वगैरह से। जब हम सिंचाई करते हैं खेतों के अंदर, तो वो पानी क्या होता है वहाँ पर, जब इरिगेशन करते हैं वहाँ पर, तो उसके अंदर जो वाटर होता है ना उस लैंड के ऊपर, वो लॉगिंग हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, और उस वाटर की वजह से जो उस मिट्टी के अंदर जो सैलिनिटी है, अल्कलिनिटी वगैरह हो गई, वो सब उसके अंदर बढ़ जाती है, मतलब उसके अंदर, उस लैंड में, उस मिट्टी के अंदर क्या क्या बढ़ जाती हैं, सैलिनिटी हो गई, ओके, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, ये सब चीज़ बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से उस लैंड का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो भूमि धीरे धीरे ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये समस्या अभी भी प्रेजेंट आ रही है काफ़ी अमाउंट से। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है, जब हमारे यहाँ सिंचाई की जाती है तो उसकी वजह से जो हमारी लैंड है, जो हमारे खेत हैं, फार्म हैं, उसके अंदर ही प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा इरिगेशन की वजह से जो नेक्स्ट जब हम फसलें वगैरह उसमें उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो फसलें हैं वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे इरिगेशन लिमिट से ज़्यादा किया जाता है, मतलब खेत के अंदर, ओपन फील्ड के अंदर वाटर को भर दिया जाता है, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, और उस वाटर लॉगिंग की वजह से जो हमारी लैंड है ये यहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर, वो सैलाइन हो गई है, अल्कलाइन हो गई है, उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस किस स्टेट के अंदर जो वाटर लॉगिंग है
वो मेन लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण है। तो कौन कौन से स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यही ऑप्शन में दिए जाएंगे आप लोगों को, दो या तीन। इसके अलावा जो और स्टेट डाल दिए जाएंगे अलग साउथ इंडिया के या फिर इधर नॉर्थ ईस्ट के, उसके अलावा कोई ऑप्शन एक ही डाल दिया जाएगा। वो पूछा जाएगा कि इनमें से किस स्टेट के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन की समस्या है वो वाटर लॉगिंग की वजह से होती है या फिर ओवर इरीगेशन की वजह से होती है। तो ओवर इरीगेशन की वजह से कहाँ कहाँ होगी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। माइनिंग की वजह से समस्या किन किन स्टेट्स के अंदर होती है, तो हो गए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनके अंदर माइनिंग से। तो माइनिंग में आपको ये याद रखना है, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पर कोल पाया जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ माइनिंग करते हैं, तो ये स्टेट्स हो गए। ओवरग्रेजिंग की समस्या हो गई गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये कुछ रीजन्स हो गए यहाँ पर। चलो ये तो हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं, पर्टिकुलर रीजन है इंडिया का जिसके अंदर जो लैंड है डिग्रेडेड, जो उसका डिग्रेडेशन के रीजन्स हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पर, जिसकी वजह से जो वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अब उसके अलावा कुछ और रीजन्स देखते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ इंडस्ट्रीज़ की, जैसे कि कौन कौन सी है, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, ओके, या फिर उसके अलावा एक तो गई सीमेंट इंडस्ट्री हमारी, ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरा सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है या जो सेरेमिक इंडस्ट्री है, इनके अंदर ग्राइंडिंग प्रोसेस की जाती है। किस चीज़ की ग्राइंडिंग प्रोसेस की जाती है, इस सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाइमस्टोन की, या फिर सिरेमिक इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें सोपस्टोन हो गया, कैल्साइट हो गया, इन सब चीज़ों को ग्राइंड किया जाता है, मतलब ग्राइंडिंग प्रोसेस चलती है इसके अंदर, मतलब उन चीज़ों को पीसा जाता है, लाइमस्टोन को जब उसको हम पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उससे क्या होता है, काफ़ी अमाउंट में धूल निकलती है, ओके, और वो धूल कण क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब उसको ग्राइंड करते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, एटमोसफेयर के अंदर जाके एटमोसफेयर में हमारे में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अगर आप में से कभी किसी ने सीमेंट इंडस्ट्री को देखा हो, जब आप उसके आस पड़ोस में ऑब्जर्व करते हो, तो वहाँ पर जो दीवारें होती हैं ना, वॉल्स होती है, उनके ऊपर भी जो डस्ट पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। अगर कभी नहीं देखा है, कभी देखने का मौका मिले, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके आस पड़ोस में काफ़ी दूर तक के एरिए के अंदर आप लोगों को डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो वॉल पर चिपके होते हैं, ओके। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और जब ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं तो ये क्या, उस टाइम के बाद धीरे धीरे उस जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी लैंड है, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, मतलब ज़मीन पे ऊपर आकर वापस चिपक जाते हैं। और ज़मीन पे आकर चिपकने के बाद क्या करेंगे, जो प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन है वाटर की, मतलब ज़मीन के अंदर जो वाटर सोखने की क्षमता है ना, अभी जो लैंड है मान लेते हैं, अभी इस पर ये डस्ट पार्टिकल चिपक गए यहाँ पर आकर, तो इस वाटर की, सॉरी, जो इस लैंड की वाटर को जो सोखने की क्षमता है, मतलब इसके अंदर जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन होता था, उसको क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है, मतलब वो कम हो जाता है इन डस्ट पार्टिकल की वजह से। उस लैंड के अंदर जो वाटर इनफिल्टर होता था, उस प्रोसेस को रोक देते हैं कौन, ये डस्ट पार्टिकल इनटू द सोयल, ओके। उस पर ही जब सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद वाटर का इनफिल्ट्रेशन, मतलब वाटर का जो लैंड वाटर को सोखती हैं, उस चीज़ को कम कर देते हैं। तो सिंपल भाषा में आप याद रखो कि जो रिटार्ड कर देते हैं, किसको, प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सोयल, मिट्टी के अंदर वाटर की जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको कम कर देते हैं कौन, डस्ट पार्टिकल, ओके। इस प्रकार से भी हमारी लैंड का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। अगर बात करें कुछ रिसेंट ईयर के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज से क्या होता है, आपको पता है काफ़ी अमाउंट में वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वेस्ट मटेरियल्स जैसे जो वाटर होता है, उस वाटर के थ्रू भी, उस मतलब इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर भी बाहर निकलता है, और उसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बाहर निकलते हैं। तो काफ़ी अमाउंट में जो वेस्ट बाहर निकलता है, बिकम द मेन सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, वो क्या होते हैं, लैंड पोल्यूशन का और वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स होते हैं हमारी कंट्री के काफ़ी हिस्सों के अंदर। अब जहाँ पर इंडस्ट्री है, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई है, उस इंडस्ट्री से क्या निकलेगा, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा और कुछ वेस्ट वाटर भी बाहर आएगा। उसके बाद जो ये वाटर और मटेरियल होते हैं, तो हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर बाहर निकल रहा है, वो क्या करेगा, हमारी लैंड के ऊपर आके जमा हो जाएगा। अब जिस लैंड के ऊपर, जिस पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर, जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो वाटर वहाँ पर लॉगिंग होगा, उस क्या करेगा, उस लैंड को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, लैंड को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। और वही वाटर जब कुछ टाइम के बाद किसी रिवर के अंदर या किसी बड़ी नहर वगैरह के अंदर जाके, मान लेते हैं किसी रिवर के अंदर जाके जब मिक्स होता है, तो उस रिवर के वाटर को भी क्या कर देता है, वो पोल्यूट कर देता है,
उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारे लिए क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है, एक तो हमारी लैंड को डिग्रेड कर रही हैं, मतलब हमारी लैंड का पोल्यूशन कर रही हैं, और साथ साथ में जो हमारा वाटर है उस वाटर को भी पोल्यूशन कर रही है। तो ये समस्या काफ़ी बड़ी है। जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब जो यूपी का इलाका है, यूपी में से जो गंगा रिवर निकल रही है ना, अब काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा गंगा की जो सफाई अभियान चल रहा है नमामि गंगे के नाम से, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी बार आता रहता है। तो इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी फंड जारी करती है गंगा की सफाई के लिए। तो गंगा की सफाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अब गंगा आपको पता है काफ़ी बड़े बड़े शहरों के पास से निकलती है। अब जिन जिन सिटी में से निकलती है वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, वो सारा वेस्ट कहाँ पर जाके मिक्स हो जाता है, उस रिवर के अंदर मिल जाता है, गंगा के अंदर। और उसकी वजह से क्या हो रखी है, गंगा पोल्यूट हो रखी है, मतलब उस रिवर का जो वाटर है वो पोल्यूट हो रखा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, यही सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। और यमुना जो जा रही है दिल्ली के अंदर से, यमुना जो दिल्ली के अंदर से पास कर रही है, तो आप लोगों ने काफ़ी बार न्यूज़ में भी देखा होगा, यमुना की हालत तो इतनी बेकार हो चुकी है वहाँ पर दिल्ली के अंदर, उसके अंदर वाइट कलर के झाग बने हुए हैं रिवर के अंदर, वाटर के ऊपर। ओके, एक टाइम था उस रिवर का जो वाटर है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बट आज की डेट में उसके अंदर कोई इंसान जाके नहा भी नहीं सकता, पीने से दूर की बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है उसका वाटर। और रीज़न क्या है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ओके, अब देखो लैंड डिग्रेडेशन का, उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, तो काफ़ी वो रीजन्स पड़े हैं जिसकी वजह से जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, बट हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म भी कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। तो देर आर मैनी वेज, हमारे पास क्या है, काफ़ी तरीके हैं, देर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इस लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे तरीके हैं। देखो, अगर आपको इनका लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करना है, इसके सोल्व करने के जो मेथड्स पता करने, तो सिंपल तरीका है, जिन जिन वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो, लैंड का डिग्रेडेशन अपने आप बंद हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ झारखंड के रीजन की, झारखंड का हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इस रीजन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लैंड डिग्रेडेशन है किस वजह से हो रहा था, डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो सिंपल क्या करना, उस रीजन के अंदर डिफोरेस्टेशन करना बंद कर दो, या फिर उसका मैनेजमेंट बेटर तरीके से होना चाहिए। ओके, और डिफोरेस्टेशन तो कम करना है, साथ में जो अभी तक डिफोरेस्टेशन हुआ है, जंगल की कटाई हुई है वहाँ पर, उसकी प्लेस पर, उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, हमें और फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा हमें वहाँ पर, मतलब जो डिफोरेस्टेशन को कम करना है और साथ में एफोरेस्टेशन करना है। अब दूसरी अगर बात करें जो हमारा राजस्थान का, गुजरात का और मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का जो कुछ इलाका था जिसके अंदर ओवरग्रेजिंग थी, वो लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण था, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ओवरग्रेजिंग की समस्या है, या जो ग्रेजिंग की समस्या है, उसको ओवरग्रेजिंग की समस्या है, उसको बेटर तरीके से मैनेजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। तो दो प्रॉब्लम तो हमारी डिजोल्व हो गई। अब तीसरा, हम लोगों ने हरियाणा पंजाब के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पर ओवर इरीगेशन है, तो ओवर इरीगेशन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर लैंड डिग्रेड हो रही है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इस चीज़ के लिए कि हरियाणा गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो से क्या होता है, हरियाणा पंजाब के अंदर चावल और गेहूँ की खेती ज़्यादा की जाती है। गेहूँ की तो ठीक है, उसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, बट जो चावल की खेती होती है, राइस की एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। वाटर की रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि राइस की खेती के अंदर जब हम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर लैंड के अंदर हम लोगों को पानी भर के रखना पड़ता है, मतलब उस लैंड के ऊपर 24 आवर वाटर जो है वो भरा रहता है, मतलब वाटर लॉगिंग इस तरह से की जाती है कि 24 घंटे उसके ऊपर पानी भरा रखा जाता है, मतलब पूरे लंबे टाइम तक। तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, मतलब हरियाणा के अंदर, अब उस टाइम के लिए जो राइस है उसकी खेती कम से कम की जाए, मतलब उसकी खेती कम करो, उसके जगह पे उस चीज़ों के एग्रीकल्चर करो जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इस हरियाणा की जो लैंड है उसका ऑलमोस्ट लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है, किस वजह से, एक तो वाटर का क्राइसिस भी है कि पानी की भी शॉर्टेज हो रखी है, हम ट्यूबवेल वगैरह से वाटर निकालते हैं तो वो भी समस्या है, दूसरी प्रॉब्लम्स ये लैंड डिग्रेडेशन की भी है। ओके, तो वो जो ओवर इरीगेशन की प्रॉब्लम है उसको भी हम कम करके क्या कर सकते हैं, जो ओवर इरीगेशन है मतलब इरीगेशन को कम करके, या फिर कुछ ऐसी एग्रीकल्चर को हम ग्रो कर सकते हैं जिसके लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। ओके, तो ऐसी एग्रीकल्चर लगाएं, मतलब ऐसी चीज़ों की खेती करें जिनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर जहाँ पर ओवर इरीगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उन रीजन्स में हमें उन चीज़ों की खेती करनी है जिसमें, जिसके लिए
वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उस लैंड को हम डिग्रेड होने से बचा सकते हैं या फिर धीरे धीरे उस लैंड को इम्प्रूव किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है। और ये तो पर्टिकुलर इन तीन रीजन्स के अंदर हो गया। अब अगर बात करें उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमें पता है इंडस्ट्रीज से काफ़ी अमाउंट में वेस्ट निकलता है, तो एक क्या करना है उस वेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसका बेटर मैनेजमेंट करें, रिवर्स वगैरह के अंदर उसको ना जाने दें लैंड की, उसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किया जाए कि वो उस वेस्ट को वहीं पर क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, जैसे भी हो सके उसका बेटर तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं उस लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं या फिर लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। अब देखते हैं हमारे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखो देयर आर मैनी वेज, हमारे पास क्या है काफ़ी तरीके हैं टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के हमारे पास क्या है काफ़ी तरीके हैं। उसमें एक तो हो गया एफोरेस्टेशन, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, देखो इसके अंदर एफोरेस्टेशन आ गया ना, तो एफोरेस्टेशन का मतलब तो हो गया आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। साथ में आप ये भी कर सकते हो कि जो डिफोरेस्टेशन है उसको कम करना है, मतलब पेड़ों की कटाई को रोकना है, आप ये भी लिख सकते हो उसके अंदर साथ में। दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब जो ग्रेजिंग वगैरह है पशु चारण है उसको भी आप अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसको मैनेज करने का सिंपल तरीका है कि एरिया डिसाइड कर दिया जाए कि 2 महीने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया के लिए पशु को चारण के लिए खुला छोड़ा जाएगा, फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा एरिया है उसको खोल दिया जाएगा, उस एरिया के अंदर पशु चारण करा सकते हो, आफ्टर 2 मंथ उसको क्लोज कर दिया जाए, तो उससे क्या है ओवर ग्रेजिंग की समस्या को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम उसको भी बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कैन हेल्प टू सोल्व द एक्सटेंट, इन चीज़ों को हम सोल्व कर सकते हैं। आप दूसरा बात करें प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं। देखो शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उनको एक लंबी लाइन से एक लाइन में लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है जो हवा का प्रेशर होता है ना तो उसको कंट्रोल करते हैं, कम कर देते हैं पेड़, तो उसकी वजह से जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है विंड की स्पीड से, तो उसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, खेतों के अंदर क्या करते हैं बीच के अंदर घास लगा दी जाती है जो बड़े बड़े लैंड होते हैं, उससे भी क्या करती है वो जो लैंड है उसको डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे तरीके हैं ये। तो एक शेल्टर बेल्ट का एग्जांपल दिया आपकी बुक में कि शेल्टर बेल्ट की हेल्प से, मतलब शेल्टर बेल्ट का मतलब हो गया पेड़ों की एक श्रृंखला, पेड़ों को एक लाइन के अंदर ग्रो करना, पेड़ों को एक लाइन में लगाना, दैट इज़ शेल्टर बेल्ट्स। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट और उसके साथ कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग हो गया हम लोगों ने पढ़ लिया, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब आपको पता है जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है सैंड ड्यून्स, ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे, जो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर डेजर्ट है वहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलते हैं। मैंने डिस्कस भी किया है जब हम लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, तब हम लोग मैंने आपको दिखाया था इमेज के अंदर सैंड ड्यून्स को। देखो प्रीवियस वीडियो ना आप लोगों को देखना जरूरी होता है, अगर आप 10th क्लास में आ गए हो 7th, 8th, 9th तक की, अगर आप लोगों ने वीडियोज अच्छे से नहीं देखी है जो हमारी अपलोड हो चुकी है मोस्टली, तो वो वीडियोज़ अगर, वैसे भी अगर आप लोगों ने 8th, 7th, 8th, 9th का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो ये वर्ड जो मोस्टली हैं ये आप पढ़ चुके हो इन चीज़ों को। ओके, तो इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की मुझे बार बार ज़रूरत वैसे तो पढ़ने नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं इनको कर दे रहा हूँ। तो सैंड ड्यून्स वो होते हैं जो मतलब राजस्थान के अंदर मिट्टी के पहाड़ पाए जाते हैं, जैसलमेर का इलाका हो गया ना इधर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब तेज़ हवाएं चलती है तो उससे जो मिट्टी है सैंड ड्यून से वो उड़ कर आती है। अब मान लेते हैं जैसे हरियाणा राजस्थान के बिल्कुल टच में है, तो जब तेज़ हवाएं चलेंगी राजस्थान से हरियाणा की तरफ तो वो मिट्टी क्या करेगी उड़ के वहाँ से राजस्थान से उड़ के हरियाणा के अंदर आएगी, और जो टच में इलाका है तो क्या जो राजस्थान के हरियाणा का जो इलाका राजस्थान के बिल्कुल टच है तो वो मिट्टी हरियाणा के अंदर आके उन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर आके जमा हो जाएगी। मतलब देखो इमेज थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते ये हरियाणा इधर, ये क्या है हरियाणा एच और ये इधर है राजस्थान। ओके, आप इधर सैंड ड्यून्स है, मान लेते ये सैंड ड्यून्स है काफ़ी बड़े बड़े, तो जब इधर से ऐसे हवा चलेगी इस साइड से तो ये क्या होंगी इस सैंड ड्यून से मिट्टी उड़ के हवा के साथ क्या आएगी इधर आएगी हरियाणा के अंदर आके इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आके डिपॉजिट हो जाएगी। तो हरियाणा की ये लैंड मान लेते हैं पहले कैसी थी, एग्रीकल्चर के लिए बेटर थी, मतलब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते थे भाई, इस एरिया के ऊपर हम क्या कर सकते थे एग्रीकल्चर कर सकते थे ना, क्योंकि ये लैंड हमारे लिए पहले अच्छी थी। लेकिन जैसे ये सैंड ड्यून से जो मिट्टी है ये राजस्थान की जो मिट्टी है उड़ के यहाँ पर आती है ये यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो गई, तो इसने क्या कर दिया इस एरिया को, इस पर्टिकुलर रीजन को, इसको भी क्या बना दिया डेजर्ट की फॉर्म में, मतलब डेजर्ट कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो डेजर्ट की मिट्टी है ये अब ये इसमें एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हम, तो इस पर्टिकुलर एरिया को भी हमने क्या कर दिया जो ये लैंड थी हरियाणा की इसको भी डिग्रेड कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया
डिग्रेड कर दिया, और हमने तो नहीं किया, चलो विंड ने किया, हवा के साथ जो मिट्टी है वो राजस्थान से उड़ के हरियाणा के अंदर आई और हरियाणा के अंदर आके जमा हो गई, तो उसने क्या किया, हरियाणा की लैंड को भी डिग्रेड कर दिया। तो इसको हमें कंट्रोल करना है, कैसे करना है कि जो ये सैंड ड्यून्स हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर कटीली झाड़ियाँ लगा देते हैं, हम क्या लगा देंगे इन पर कटीली झाड़ियाँ लगा देंगे, तो उसकी वजह से इसकी जो मिट्टी है वो यहाँ पर रुकी रहेगी, जम जाएगी यहीं पर, क्योंकि जो पेड़ क्या करते हैं, जो रूट्स होती है ट्रीज़ की, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। ओके, तो वाटर हो गया चाहे फिर विंड्स हो गई, वो उसको अपने साथ बाकर नहीं ले जा सकती, तो इसलिए हमें क्या करना है, इन पर कटीली झाड़ियाँ लगा देनी है, क्योंकि और पेड़ तो यहाँ पर हो नहीं सकते राजस्थान के अंदर, आपको पता है जो डेजर्ट का इलाका है उसमें कटीली झाड़ियाँ हो सकती ग्रो कर सकती हैं, तो आपने क्या करना है, इन पर कटीली झाड़ियाँ लगा देनी है, उसकी वजह से ये मिट्टी यहीं पर रहेगी और ये हवा वगैरह के साथ विंड के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उड़कर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपका ये टॉपिक। देखो तो सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेज, उसके ऊपर हम कटीली झाड़ियाँ लगा सकते हैं, आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया, जो इधर के एरिड एरिया है, एरिड रीजन्स हैं, इनके अंदर हम इस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो ये सैंड ड्यून्स होते हैं ये अपनी आस पड़ोस की जो ज़मीन होती है, एग्रीकल्चर के लायक ज़मीन होती है, उसको डिग्रेड करते हैं, तो इस प्रकार से हम उसको डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है मतलब जो हमारी बंजर भूमि है उसको भी प्रॉपर मैनेजमेंट करके, प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब है अगर हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो लैंड है, जो ज़मीन है वो बंजर भूमि है, मतलब वेस्ट लैंड है, इसका राजस्थान का एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान के अंदर क्या है काफ़ी रीजन से जहाँ पर वेस्ट लैंड है मतलब बंजर भूमि है, तो उसको बेटर ट्रीटमेंट करके कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उस लैंड को वेस्ट लैंड से एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तो मेन रीजन वहाँ पता है आप लोगों को क्या, इरीगेशन की प्रॉब्लम है, मतलब वाटर की फैसिलिटी नहीं है, तो साथ में एक तो ट्रीटमेंट करें बेटर तरीके से, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी लगाएं वहाँ पर अच्छी, ओके, मतलब खाद वगैरह की फैसिलिटी से उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाए ज़मीन को। दूसरा, वहाँ पर वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, मतलब वहाँ पर या तो नहरें निकाली जाएं वहाँ से, या फिर और तो कोई रीजन है नहीं कि ज़मीन में, तो राजस्थान में पानी मिलेगा नहीं आप लोगों को वहाँ पर, या फिर किसी अदर वेस्ट लैंड जो है वहाँ पर वाटर है ज़मीन के नीचे तो उसको आप इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे कि राजस्थान में अगर वाटर नहीं है तो वहाँ पर नहरें निकाली जा सकती हैं, नहरें निकाल के उस वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, तो वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट आपको हमें किस प्रकार से करना है, एक तो इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, दूसरा वहाँ पर कुछ बेटर टेक्नोलॉजी की यूज करके हम उसको वेस्ट लैंड से कुछ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको बेटर मैनेजमेंट उसका हम कर सकते हैं। दूसरा, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, माइनिंग का मतलब आपको पता है खनन वगैरह जो हम करते हैं, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है ये भी मैंने बताया आप लोगों को, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब जैसे कि जो वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्रीज से, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हमने क्या करना है कि जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से निकला है उसको पहले ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको हम या तो रिवर में डाल सकते हैं, पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करें उस वाटर का, उसके बाद उसको रिवर में डालें, या फिर उसके अलावा और कुछ अदर मेथड्स हैं वो भी देख सकते हैं। देखो यही लिखा हुआ आई थिंक आगे, आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रेड्यूस लैंड वाटर, ओके, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद उससे हम जो लैंड और वाटर डिग्रेडेशन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के मेजर्स दे रखे थे हमारे पास कि लैंड डिग्रेडेशन को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, या फिर लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व किस प्रकार से कर सकते हैं, या जो हमारी लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब कुछ उसके इम्पोर्टेंट मेजर्स दे रखे थे। अब हम देखते हैं सोयल एज ए रिसोर्सेज के बारे में। तो सोयल जो हमारी वो भी क्या है, एक रिसोर्स है हमारे लिए। सोयल रिसोर्स क्यों है, देखो रिसोर्स के डेफिनेशन बताया था कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे आस पड़ोस में जो सभी चीज़ें प्रेजेंट है उसका हम अपने लिए यूज करते हैं, अपने लिए उसका क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रिसोर्स। तो सोयल हमारे पास प्रेजेंट है क्योंकि सोयल पर ही हम रहते हैं, हमारे जो सरफेस है अर्थ का वो किससे बना हुआ है, उसके अर्थ के सरफेस पर क्या पाई जाती है, सोयल ही है, मिट्टी है, और इसका हम अपने लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम फसलें ग्रो करते हैं, जो भी कुछ एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, जो भी प्लांटेशन करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, वो सब कहाँ पर करते हैं, हम सोयल के अंदर ही करते हैं। इसका मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ होती है हमें
जो हमारा फूड है या फिर हमारी जो शेल्टर है मतलब घर वगैरह है, वो सब हम कहाँ बनाते हैं, इस सोयल के ऊपर ही बनाते हैं। ओके, तो इसका हम काफ़ी यूटिलाइजेशन करते हैं अपने लिए, तो ये सोयल क्या हमारे लिए रिसोर्स है, तो सोयल एज ए रिसोर्स, इसलिए इसका नाम क्या आगे लगा हुआ है, रिसोर्स। तो सोयल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। कैसा है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये आपको याद रखना है। रिन्यूएबल मतलब क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे कि सोयल कैसा है, रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है, उसके अलावा दो ऑप्शन और डाल देगा, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पूछ लेगा उसमें से सोयल ऑप्शन में डाल देगा, बाकी तीन अदर्स डाल देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोयल कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल, और साथ में कैसा है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल है क्योंकि प्रकृति ने बनाया, हम लोगों ने तो नहीं बनाया है ना इसको। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ का भी एक मीडियम है, माध्यम है, इसी में प्लांट ग्रो करते हैं। साथ में क्या करता है, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर या अर्थ पर, उनको सपोर्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स लिविंग है, प्लांट्स हो गए ये भी लिविंग थिंग्स ही हैं, साथ में जो एनिमल्स हो गए या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है सबको सपोर्ट करता है, क्योंकि सभी के लिए जो खाना वगैरह कौन प्रोवाइड कराता है, ये जो सोयल है वही हमारे लिए खाना प्रोवाइड कराती है। ओके, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोयल अप टू फ्यू सेंटीमीटर। देखो सोयल का क्या है कि रिन्यूएबल तो है, ये रिन्यू तो होती है, बट एक सेंटीमीटर बनने के लिए, इसकी सिर्फ एक सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक सेंटीमीटर सोयल की फॉर्मेशन के लिए अर्थ के सरफेस पर कई लाखों ईयर्स लग जाते हैं, कितने लाख ईयर्स, एक लाख से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाख ईयर से ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसमें, सोयल की फॉर्मेशन के अंदर अर्थ के सरफेस पर, सिर्फ एक सेंटीमीटर सोयल बनने में लाखों ईयर्स लग जाते हैं, ये ज़रूर याद रखना है आप लोगों ने। रिन्यूएबल तो है, रिन्यू तो हो जाती है मतलब दोबारा बनती है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। अब सोयल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बात करें तो रिलीफ, पेरेंट रॉक्स हो गए, बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कुछ और जो लाइफ अदर चीज़ें हैं, उसके अलावा टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। तो सोयल की फॉर्मेशन के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो क्लाइमेट हो गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता रहता है, उसी से जो हमारी रॉक्स वगैरह होती हैं वो ब्रेक करती हैं, जो रॉक्स होती हैं ना ये ब्रेक करती हैं, और इनसे क्या होता है धीरे धीरे सोयल की फॉर्मेशन होती है, साथ में रिलीफ्स वगैरह हो गए। तो सोयल फॉर्मेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोयल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी आप खुद अपने एजम्पशन से भी लगा सकते हो कि ये चीज़ें सोयल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको एक बार देखना है याद हो जाएंगे आराम से। अब बात करें वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर, कुछ हमारी जो प्राकृतिक फोर्सेज भी हैं जो मतलब नेचर लगाता है कुछ फोर्सेज जिसकी वजह से चेंजेज इन जैसे जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोयल फॉर्मेशन के अंदर रेस्पॉन्सिबल है, सोयल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो नेचर कौन कौन सी फोर्सेज लगाता है, बात करें चेंज इन टेम्परेचर, आपको पता है जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, हमारे यहाँ सीजन चेंज होते रहते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता रहता है, गर्मियों का टेम्परेचर अलग है, सर्दियों का टेम्परेचर अलग है, तो ये टेम्परेचर चेंज होता है ये कहाँ से होता है, नेचुरल फोर्सेज है, ह्यूमन बींग ने नहीं बनाया है इसको ना, टेम्परेचर हम लोग तो चेंज करते नहीं है, टेम्परेचर नेचुरली चेंज होता है, तो ये कैसा है, नेचुरल फोर्स है। साथ में एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जब वाटर ऊपर से रिवर्स फ्लो करती हैं पहाड़ों से, तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है जब रिवर्स फ्लो करती है तो अपने साथ क्या बहाकर लाती है, जो माउंटेन्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने साथ बहाकर लाते हैं, जो कुछ हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, वो जैसे ही रिवर जो स्लोप से मतलब उस पहाड़ी से नीचे उतरती है, लैंड एरिया पर आती है, वहाँ पर क्या होते हैं उनको डिपॉजिट कर देती हैं, और जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ और आगे तक बहाकर लेके आती है। ओके, और ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स होते हैं उनको और आगे तक, मतलब ये कह सकते हो जब वो समुंदर के अंदर गिरती है, मिलती है, तो जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल होते हैं उनको वहाँ ले जाकर डिपॉजिट कर देती है। तो वाटर समझ के किस प्रकार से सोयल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, तो मतलब जो रिवर फ्लो करती है वो बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल्स को ब्रेक करके लाती है और लाके प्लेन में डिपॉजिट कर देती हैं। अब बात करें विंड की, ग्लेशियर्स की, तो विंड भी क्या करती है, हवाएं हैं, हमारे लिए सोयल फॉर्मेशन करती हैं। जब जो हमारी अरावली रेंजेज हैं, आपको पता है काफ़ी हद तक सबसे मतलब आप ये कह सकते हो इंडिया की जो क्या है ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, और वो इनकी हाइट किसी टाइम पर काफ़ी अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन अभी ये ब्रेक हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, क्यों, टाइम के हिसाब से जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ क्लाइमेट एक्शन हो गए, ओके, उसके अलावा वाटर की वजह से या विंड की वजह से ये मतलब जो अरावली माउंटेन्स है ये धीरे धीरे ब्रेक हो चुकी है और आज इनकी हाइट काफ़ी कम हो चुकी है,
हो सकता है किसी टाइम पे ये हिमालय की जितनी ऊंची हो, ओके। तो आज, लेकिन आज की डेट में इनकी हाइट काफ़ी कम हो चुकी है, और वो जो भी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है, ये सभी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से उस माउंटेन की हाइट, मतलब वो माउंटेन घिस घिस कर टूट चुकी है अभी। तो उसमें विंड भी आता है, जैसे हवाएं चलती हैं तो टूटे हुए पार्टिकल्स को, जो बारीक पार्टिकल्स हैं माउंटेन से, उनको या रॉक से उनको अपने साथ लेके आ जाती है नीचे। बात करें ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स भी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये जो कुछ नेचुरल फोर्सेज हैं सोयल के फॉर्मेशन में, इनके काफ़ी अहम रोल हैं। अब बात करते हैं केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सोयल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जो सोयल के अंदर कुछ केमिकली और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते रहते हैं, ओके, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोयल किस किस से मिलकर बनी होती है? ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस, ह्यूमस तो पता है आप लोगों को क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जैसे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, जैसे कोई पेड़ वगैरह पत्ते वगैरह हैं, उनको आपने क्या करना है, या फिर कुछ जैसे घर में कटी हुई सब्जियाँ वगैरह होती हैं उसका जो वेस्ट होता है आप खुद ले जाके मिट्टी में दबा दो, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और वो तो उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स भी पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, और इनऑर्गेनिक मैटर्स भी पाए जाते हैं। तो जो हमारी सोयल है किससे मिलकर बनती है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेटेरियल्स दोनों से मिलकर बनती है। अब इसके अलावा तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल। तो सोयल को हमने किस किस प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है, देखो, इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स। इंडिया के अंदर क्या है, काफ़ी सारे रिलीफ फीचर्स हैं, अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हो गए, उसके अलावा क्लाइमेट रिलेम्स हो गए, वेजिटेशन टाइप हो गई तो काफ़ी डिफरेंट है ये। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सोयल। तो ये सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती है, इनकी वजह से जो हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सोयल पाई जाती है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोयल जो हुआ है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट रिलेम्स या वेजिटेशन टाइप। तो जिस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जिस प्रकार का रिलीफ फीचर पाए जाते हैं, जिस प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं, ओके, जिस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो सोयल की फॉर्मेशन है वो भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर सोयल की फॉर्मेशन अलग होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हिमालय माउंटेन से रिवर्स फ्लो करती हैं वो अपने साथ क्या भाग कर लाती हैं, माउंटेन्स को ब्रेक करके, रॉक्स को ब्रेक करके, बिल्कुल उसके जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं उनको भाग कर लाती है, और नीचे ला के जो नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, मतलब मैं बात करूँ पंजाब का, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, बिहार तक की जो बेल्ट है, ये इस बेल्ट के अंदर ला के डिपॉजिट कर देती है और यहाँ पर प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है, ओके। तो सेम अगर हम डेक्कन प्लेट्यू वगैरह की बात करें, महाराष्ट्र वगैरह के रीजन के अंदर, तो वहाँ जो प्लेट्यूज है वहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, लावा से हुआ है। तो जो वो मिट्टी कैसी है, तो उस रॉक्स के ब्रेक होने से किस प्रकार की सोयल का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक सोयल की फॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब जो डिफरेंट रिलीफ्स है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, तो उसकी वजह से जो सोयल की फॉर्मेशन है वो भी हर प्लेस पर डिफरेंट है। मतलब हमारे पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की सोयल पाई जाती है, और उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। तो अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी सोयल पाई जाती है और किस किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाई जाती हैं। तो पहली है हमारे यहाँ एल्यूवियल सोयल। फर्स्ट कौन सी है? एल्यूवियल सोयल। देखो सोयल के अंदर मेनली एक तो आपको पढ़ना क्या है, मेनली चीज़ें हैं कि किस रीजन के अंदर पाई जाती हैं सोयल, ओके, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट मिनरल्स है तो कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर कोई दे रखे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सोयल के अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, उस सोयल के अंदर किस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर सोयल में कौन सी एग्रीकल्चर होती है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी याद रखनी है। एक तो पर्टिकुलर रीजन है, कुछ स्टेट वगैरह आप याद कर सकते हो। देखो किसी किसी में तो सोयल के डायरेक्ट आपसे स्टेट भी पूछ लेगा, जैसे ब्लैक सोयल के लिए पूछ लेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया। एलुवियल सोयल के लिए पूछेगा तो शायद स्टेट तो नहीं देगा आपसे, बट नॉर्थन प्लेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा रीजन बोल देगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके अंदर एलुवियल सोयल पाई जाती है मोस्टली। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर रीजन दे सकते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे तो मैं और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपको लर्न करनी है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। देर इज़ अ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सोयल। ये क्या है? इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े हिस्से के अंदर फैली हुई है, और एक कैसी है, इंपॉर्टेंट सोयल है ये। कौन सी? एल्यूवियल सोयल। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है, कौन सा, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है पूरा का पूरा, उसके अंदर ये एल्यूवियल सोयल पाई जाती है, मेड अप ऑफ जो हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है किससे मिलकर बना हुआ है, एल्यूवियल सोयल से। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, जो तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनसे मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी? इंडस,
गंगा एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा, मतलब सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये तीन रिवर्स हैं जिससे जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है इसकी फॉर्मेशन हुई है। और नॉर्दर्न रिवर्स प्लेन्स की फॉर्मेशन किस प्रकार से करती है मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, शायद अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि जो रिवर्स फ्लो करती है माउंटेन से तो अपने साथ जो ब्रेक करती है, जो रॉक्स वगैरह होती है माउंटेन्स होती है उनको ब्रेक करती है और उनके जो बारीक पार्टिकल्स होती हैं उनको अपने साथ बहाकर लेके आती है और प्लेन्स में लाकर नीचे लाकर उनको डिपॉजिट कर देती है। इस प्रकार से जो हमारे प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, जो हमारे प्लेन्स बनते हैं। तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है इसको फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रिवर रिस्पॉन्सिबल है, तो नाम आपको कन्फर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। बाकी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडस रिवर कहाँ फ्लो करती है, गंगा किस रीजन में फ्लो करती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, और ब्रह्मपुत्रा कहाँ फ्लो करती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। दीज सोयल आल्सो एक्सटेंडेड इन राजस्थान, गुजरात, राजस्थान से स्टार्ट होता है। अभी मैप में दिखाते हैं ये चीज़ें आप लोगों को, ओके, इस यहाँ सिर्फ जस्ट थोड़ा सा इमेज याद रखो, बाकी मैप में पूरा डिस्कस करते हैं। राजस्थान के अंदर गुजरात में इस कॉरिडोर के अंदर ही फैली हुई हैं। अलुवियल सोयल आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स के अंदर भी पाई जाती है। अब ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स के अंदर क्यों पाई जाती है ये भी मैं बताता हूँ अभी। प्लेन्स पार्टिकुलर इन द डेल्टा ऑफ महानदी, जहाँ महानदी अपना डेल्टा बनाती है, गोदावरी अपना डेल्टा बनाती है, कृष्णा एंड कावेरी, ये चार रिवर है इंपॉर्टेंट, सीरियल वाइज याद कर लो ऊपर से नीचे तक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऊपर से नीचे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सीरियल वाइज याद कर लो, जहाँ पर अपना डेल्टा फॉर्म करती है वहाँ पर भी एलुवियल सोयल पाई जाती है। एक बार मैप में देखते हैं देखो ये मैप है यहाँ पर, ये जो इधर देखो ये इंडिकेशन दे रखे हैं इनके, ये एलुवियल सोयल है, इसका कलर है ये वाला, तो ये जो कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन, ये कौन सा है, कम्प्लीटली एलुवियल सोयल है ये, ओके। यहाँ पर कौन सी सोयल पाई जाती है, एलुवियल। तो ये इधर कहाँ से स्टार्ट होती है, राजस्थान का एरिया है, तो राजस्थान से स्टार्ट होता है मेनली इधर, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये इधर बिहार के एंड तक ये फैली हुई है, ये कौन सी, एलुवियल सोयल, ओके। एक तो यहाँ पर हो गया, दूसरा देखो रीजन्स आपको याद करने की, स्टेट आपको याद नहीं रहेंगे इसके एलुवियल सोयल के लिए कौन कौन से हैं, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा। हाँ, अगर डायरेक्ट आपसे एक स्टेट दे दिया जाए कि भाई राजस्थान, ओके, अगर पूछा जाए एलुवियल सोयल कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन में एक दे दे राजस्थान, तीन ऑप्शन डाल दे साउथ इंडिया के, तब तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। बट अगर तीन ऑप्शन, ऐसा कभी नहीं डालेगा कि तीन ऑप्शन डाल दिए पंजाब का, हरियाणा डाल दिया, मध्य प्रदेश डाल दिया, और तब आपसे पूछे कि एलुवियल सोयल कहाँ पाई जाती है, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, ओके। एक तो ये हो गया यहाँ पर, उसके अलावा जो अभी क्या बताया था, जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस रीजन, इस रीजन के अंदर भी ये जो कलर दिखाई दे रहा है ना, ये कम्प्लीटली एलुवियल सोयल है यहाँ पर। और यहाँ पर एलुवियल सोयल क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर चार रिवर है इम्पोर्टेंट, ये है महानदी, कौन सी है ये, महानदी, दैट इज़ अगेन ये इधर गोदावरी, ये कौन सी है, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, दैट इज़ कृष्णा, एंड लास्ट वन इज़ ये जहाँ पर फ्लो करती है कावेरी, ये कौन सी है, कावेरी। तो ये जहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है, ये इधर इनका डेल्टा बन रहे हैं, देखो ये इसका डेल्टा है, ये इसका डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, ये गोदावरी का डेल्टा है, एंड दैट इज़ कृष्णा रिवर का डेल्टा, और दिस इज़ कावेरी का डेल्टा। तो जहाँ रिवर्स अपना डेल्टा फॉर्म करती है वहाँ पर क्या बनाती है, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सोयल। क्यों पाई जाती है कि हम अभी बताया था कि जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ क्या करती है, जब इधर माउंटेन्स हैं, मान यहाँ पर माउंटेन्स हैं, जो ये रिवर सारी ऑलमोस्ट माउंटेन से निकलती है, तो माउंटेन्स है, तो माउंटेन से जब ये रिवर नीचे की तरफ फ्लो करती है तो अपने साथ क्या करती है, जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ भाग कर लाती है, और लाकर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस प्लेन में डिपॉजिट कर देती है। कहाँ पर, ये तो ओशियन में पहुँच गया ज़्यादा आगे में, बट ये थोड़ा सा मैं इरेज नहीं करूँगा इसको, देखो यहाँ पर ये जो प्ले कोस्टल एरिया है यहाँ पर लाके उसको डिपॉजिट कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी सोयल पाई जाती है, एलुवियल सोयल, ओके। क्योंकि एलुवियल सोयल का फॉर्मेशन मोस्टली किससे होता है, ये रिवर से होता है, तो इसलिए जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारे, इनके अंदर एलुवियल सोयल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, मैंने बता दिया कि जो चार रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये अपने साथ कुछ पार्टिकल्स वहाँ के लाती है, और जहाँ अपना डेल्टा फॉर्म करती है वहाँ लाके उस बारीक पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देती है, और इसलिए वहाँ पे एलुवियल सोयल की फॉर्मेशन होती है, इसलिए वहाँ पे एलुवियल सोयल पाई जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका ये। अब हम बात करते हैं एलुवियल सोयल जो होती है किस किस से मिलकर बनी होती है। एलुवियल सोयल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन, मतलब उसमें सैंड पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, और क्ले पाया जाता है। अब देखो एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, जब हम लैंड से रिवर वैली की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं,
तो इसको भी थोड़ा इमेज में समझते हैं, वहीं पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। देखो ये मान लेते हैं, गोदावरी का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक रिवर को समझ लेते हैं। ये गोदावरी रिवर है हमारी, ओके, जो महाराष्ट्र से निकलती है और इधर आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये गोदावरी रिवर अभी कह रहा है कि जैसे ही हम इनलैंड से मतलब इससे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो कोस्टल एरिया था इससे ऊपर की तरफ मूव करते हैं हमारे रिवर के अंदर, तो जिसके जो पार्टिकल्स हैं रिवर्स के, अब जैसे मान लो यहाँ पर जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे ना, ये कैसे होंगे, बिल्कुल बारीक पार्टिकल होंगे, बट जब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे रिवर के पास, वो कैसे होंगे, उनका जो साइज़ होगा वो बिग होगा एज कम्पेयर टू इन पार्टिकल्स के कम्पेयर में, जो कोस्टल प्लेन्स के कम्पेयर में जो पार्टिकल हैं उनके कम्पेयर में जो यहाँ के पार्टिकल पाए जाएंगे उनका साइज़ कैसा होगा, बिग साइज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब रिवर ऊपर से फ्लो करती है, पहाड़ से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है रिवर ऐसे ऐसे, तो जो अपने साथ पार्टिकल्स लेके आती है, तो कुछ मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ बारीक भी होते हैं। तो जैसे रिवर आगे चलती जाती है तो मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है वो पहले डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक तो साइज़ बड़ा है, उनके अंदर वेट ज़्यादा है, तो इसलिए वो पहले डिपॉजिट हो जाएंगे। और जैसे ही रिवर आगे की तरफ मूव करती है तो जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ लेके आती है और लाके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, ओके। तो जैसे ही रिवर्स ढलान से प्लेन के अंदर एंट्री करती है तो अपने जो मोटे पार्टिकल्स है, जो हैवी पार्टिकल्स है, जो बिग पार्टिकल्स है, उनको वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। तो यही कह रहा है कि जैसे हम इनलैंड से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इस रिवर के अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पार्टिकल का साइज़ है वो कैसा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। मतलब जो ऊपर के साइज़ जो पार्टिकल्स मिलेंगे हम लोगों को, सैंड पार्टिकल्स, वो कैसे होंगे, बड़े होंगे। आई थिंक वो रीजन क्या है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अब तो सोयल पार्टिकल्स अपीयर्स बिगर इन साइज इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, जब रिवर वैली में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो जो पार्टिकल का साइज़ है वो बड़ा होता चला जाता है, ओके। तो बस यही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, और जो बड़ा पार्टिकल का साइज़ है वहाँ पर जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती है, मतलब उसकी कंडीशन थोड़ी पुअर होती है, आप ये कह सकते हो, ओके। नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पर स्लोप ख़त्म होता है तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है, कर्स टाइप की होती है, मतलब आप यहाँ पे जो पुअर क्वालिटी की मिट्टी पाई जाती है। और इस प्रकार की जो मिट्टी कहाँ किस रीजन में पाई जाती है, द्वार्स, चैओस और तराई, तराई का जो रीजन वो होता है, जैसे ये पहाड़ी है मान लेते हैं, ये माउंटेन है, इससे रिवर फ्लो करती है, जैसे माउंटेन से पहाड़ से जो रिवर नीचे उतरती है तो जो ये बिल्कुल माउंटेन का तली का रीजन होता है, ये कह सकते हो जो माउंटेन का बिल्कुल जो पास पैरों का रीजन होता है, जो बिल्कुल पास का रीजन होता है, इसको बोला जाता है तराई का रीजन। तो इसके अंदर जो मेनली ये सोइल पाई जाती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द एलुवियल सोइल, ये तो हमने पढ़ लिया उनके ग्रेन साइज़ के अकॉर्डिंग, तो अभी तक जो पढ़ा है वो। अब हम बात करते हैं एज के अकॉर्डिंग, एज ऑफ द एलुवियल सोइल, जो एलुवियल सोइल है उसकी एज के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इनको। तो हमने एज के अकॉर्डिंग इनको दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है, एक तो बांगर दैट इज़, और सेकेंड है खादर। बांगर किसको बोलते हैं, मतलब जो ओल्ड एलुवियल सोइल है, जो पुरानी मिट्टी है, उसको क्या बोला जाता है, बांगर। और जो न्यू एलुवियल सोइल है, कौन सी, जो न्यू एलुवियल सोइल है, नई जलोढ़ मृदा है, उसको क्या बोलते हैं, खादर। इनका नाम आपको लर्न करना काफ़ी ईजी है। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, क्या होता है, पुराना, पुराना मतलब भंगार का, भंगार का सामान, भंगार जिस कबाड़ी को बेचते हैं ना जो हम लोग सामान, उसको क्या बोलते हैं, भंगार। ये काफ़ी बारी तो मूवी में भी यार ये वर्ड यूज किया जाता है, काफ़ी कॉमन वर्ड है भंगार, तो उस प्रकार से आप याद कर ले। तो बांगर ये कौन सा है, बांगर, और किससे मिलता है, बिल्कुल ये भंगार से मिलता है, तो भंगार और बांगर दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, तो इस प्रकार समझ सकते हो। जो ओल्ड एलुवियल सोइल है उसका दूसरा नाम क्या है, बांगर, एंड जो न्यू एलुवियल सोइल है उसका नाम क्या है, खादर, ओके। तो जो बांगर सोइल होती है, अब ये देखो थोड़ा सा अभी चलो इनको बांगर फिलहाल आप याद कर लो, फिर कभी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इनको अगेन डिस्क्राइब करेंगे कि बांगर किस रीजन के अंदर पाई जाती है, आपको खादर किस में, उसका अगर हम वीडियो अभी डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ओके। तो बांगर सोइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, जो बांगर सोइल होती है, मतलब जो पुरानी एलुवियल सोइल है, ओल्ड एलुवियल सोइल है, उसके अंदर जो कंकर होते हैं ना, मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम कंकर बोल रहे हैं, सोइल पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं किसके अंदर, ओल्ड के अंदर, नोड्यूल्स, देन खादर, खादर के कंपेयर के अंदर बांगर के अंदर जो हायर पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो कंकर हैं, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो बांगर है उसके अंदर, सॉरी जो खादर है उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब उसमें जो बारीक पार्टिकल हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं,
सिंपल भाषा में समझो ओल्ड एलुवियल सोयल है, इसमें कौन से कण पाए जाते हैं जो बिग पार्टिकल्स हैं, या फिर आप ये समझ सकते हो कंकर, ये ज़्यादा पाए जाते हैं ओल्ड के अंदर। और न्यू की मैं बात करूँ तो न्यू के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, बस इतना याद रखो आप। तो इसके अंदर जो फाइन पार्टिकल पाए जाते हैं किसके अंदर, खादर के अंदर, तो इसलिए कैसी है, मोर फर्टाइल है। जो हमारी न्यू एलुवियल सोयल है, मतलब जो खादर है, जो नई एलुवियल सोयल है, नई जलोढ़ मृदा है, वो कैसी होती है, मोर फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू बांगर, जो पुरानी के कंपेयर में ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब देखो एलुवियल सोयल एज ए होल इज वेरी फर्टाइल, जो वैसे तो कम्प्लीटली पुरानी हो या नई हो, दोनों की दोनों कैसी है, फर्टाइल होती है, काफ़ी अच्छी, मतलब इनकी जो फर्टिलिटी है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब मोर फर्टाइल होती है कम्प्लीटली, पुरानी ओल्ड भी नई भी, अगर दोनों का कंपेरिजन करें तो नई वाली ज़्यादा फर्टाइल है एज कम्पेयर टू ओल्ड के कंपेरिजन में। ओके, वैसे तो ये कम्प्लीटली वैसे पूरी फर्टाइल ही है। मोस्टली दीज सोयल्स कंटेन्स, इनमें क्या क्या पाया जाता है, कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटास। अब देखो ये चीज़ याद करनी है आपने, पोटास पाया जाता है किसके अंदर, दूसरा फॉस्फेरिक, फॉस्फर पाया जाता है, फॉस्फेरिक एसिड, एंड थर्ड इज लाइम, ये तीनों पाई जाती हैं। ये नाम याद कर लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तीनों चीज़ें, एलुवियल सोयल के अंदर कौन कौन से या क्या कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये चीज़ें पाई जाती है इसके अंदर। और ये किस लिए, किसकी ग्रोथ के लिए बेटर होती है, शुगर केन, पैडी, वीट, ओके, इसके अलावा सेरल्स, ये सब चीज़ों के, या पल्सिस हो गई, इनके ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। गन्ना हो गया, चावल हो गया, वीट हो गया, दालें होंगी, तो इनकी ग्रोथ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपसे पूछे कि एलुवियल सोयल के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, तो शुगर केन हो गई, पैडी हो गई, वीट हो गई, सीरल्स हो गई, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो किसके अंदर ग्रो करती हैं, एलुवियल सोयल के अंदर ग्रो करती हैं। और उसमें एलुवियल सोयल में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, पोटास हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, उसके अलावा लाइम हो गया, ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि आपको अभी हमने डिस्कस क्या किया है, जो हमारी एलुवियल सोयल है कैसी है, मोस्ट फर्टाइल है, मतलब इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इस रीजन के अंदर जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि होती है, गहन कृषि, मतलब इंटेंस कल्टीवेशन की जाती है, मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना शुद्ध, प्रीवियस वीडियो के अंदर शायद पढ़ा था हम लोगों ने, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जो हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसका मोस्टली जो हिस्सा है उसका ज़्यादातर भाग हमारे इस एलुवियल सोयल का जो रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स है उसी के अंदर बोया जाता है। क्यों, एक तो देखो नॉर्दर्न प्लेन्स के काफ़ी बेनिफिट है, एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करना आसान होता है, खेती करना आसान होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा साउथ इंडिया हो गया या फिर जो हमारा हिली रीजन है उसमें एग्रीकल्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए जो हमारा ये रीजन है इसमें एक तो एग्रीकल्चर करना आसान है, दूसरा यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, ओके, और उसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन भी है वो यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, मतलब जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का जो रीजन है ये कैसा है, डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है यहाँ पर। और रीजन्स यही है कि एग्रीकल्चर करना आसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यहाँ पर आसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बनाना, उसके अलावा इंडस्ट्रीज बनाना, ये सब चीज़ें बनाना यहाँ पर आसान है, तो इसलिए जो हमारी पॉपुलेशन है यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारा जनसंख्या घनत्व है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, जो बाकी बचे हुए जो हमारे सोयल टाइप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया अभी तक हमारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर करो और शेयर करो, देखो आपका कमेंट जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है तो ज़रूर बताओ, मैं अगर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ कुछ आप लोगों के लिए। अगर आपके कमेंट आते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कि भाई इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, तो मैं जाहिर सी बात ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। तो अपने कमेंट जरूर दो, अच्छे गलत जैसे भी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो और हो सकता है जितना ज़्यादा शेयर करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।